प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी और पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके। हर बार के लेखा ये बार भी ले आई बानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री स्टार लोग से जुड़ल हर तमाम खबर के लेके। जो जनला के बाद रउआ सबके बहुत खुशी हो कि प्रोग्राम के अंत में हम वो दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जो हर कोई भेजेला अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर। तो फिलहाल बढ़े के आगे मैसेज हम अंत में बताएं, पहले खबर जान लेवे के जमे पहला खबर जुड़ल बटे आम्रपाली दुबे से। आम्रपाली दुबे जब से अपन वजन कम कैले बड़ी तब से वो हर इवेंट में बड़ा खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहल बड़ी। हाल ही में रवि किशन का जन्मदिन का दौरान बहुत ही बेहद खूबसूरत अवतार में नजर आ रही, लेकिन हाल ही में मलेशिया में भइल अवार्ड फंक्शन में उस अब तक के सबसे अलग अंदाज में दिखाई दिले बड़ी, बहुत खूबसूरत अंदाज में पिंक कलर के गाउन पहनले रही नेट बाउंड्री के जो बहुत सुंदर लागत रहे देखे में। आ वो एगो फोटो भी शेयर कैले बड़ी, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक के अवार्ड मिलल बटे आम्रपाली के। तो बहुत खुश होके तस्वीर अपन फैंस लोग से शेयर करले बड़ी जरा के बहुत लोग पसंद भी कैले बा। तो हम लेके आई बनी आम्रपाली के यही लोग से जुड़ल एगो खास खबर देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों की लकी अदाकारा और YouTube क्वीन आम्रपाली दुबे ने अभी तक फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता है, लेकिन फिल्मों के अलावा आम्रपाली ने अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतना नहीं छोड़ा। दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आम्रपाली ने अपना वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है, और जब से आम्रपाली ने अपना वेट कम किया है और जब से वो स्लिम ड्रीम हुई हैं तब से आम्रपाली हर इवेंट में अपने लुक से चर्चाएं बटोर रही हैं। हाल ही में आम्रपाली रवि किशन के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में पहुंची थी, जहां ग्रीन कलर के नेट गाउन में आम्रपाली पर सभी की नजरें ठहर गईं। तो वहीं हाल ही में मलेशिया में हुए अवार्ड फंक्शन में आम्रपाली पिंक कलर के गाउन में पहुंची थी। नेट करी गोल्डन बाउंड्री ड्रेस में आम्रपाली की खूबसूरती में चार चांद लग गए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए हैं। और एक बार फिर से आम्रपाली ने लोगों की नजरों में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर दिए। बड़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जुड़ल बाटे सुधीर सिंह से। सुधीर सिंह उ है जिनकर खेसारी का साथ कुछ दिन पहले विवाद भइल रहे। जब से ही विवाद उठल बाटे तब से सुधीर सिंह इठान लेले बड़े कि वो भोजपुरी के जे भी द्व्यर्थी गाना बा ओकरा के शांत करवा के रहिहन। यही से वो जगह जगह अपन इवेंट में जे भी इवेंट में समारोह में शामिल होता रहे ओहू में दर्शक लोग से निहोरा करत रहे कि वो सब ऐसा गाना सिंगर के साथ मत दी लोग। दिघवा दिघौली में हाल ही में सुधीर सिंह के वो समारोह भइल जेमें वो शामिल भइले, जहाँ वह भोजपुरी के द्व्यर्थी गाना के बारे में काफ़ी सारा बात कैले बड़े वहाँ मौजूद लोग से आ सब कोई सहयोगो कैले बा। तका कुछ कहले बड़े अपने समारोह में हमें से जुड़ल एगो खास खबर दिखावे जा रही बनी देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल से विवाद के बाद सुधीर सिंह चर्चाओं में छाए हुए थे, लेकिन विवाद के बाद से सुधीर सिंह ने भोजपुरी के द्व्यर्थी गानों का विरोध नहीं छोड़ा है। दरअसल हाल ही में सुधीर सिंह ने अपने फेसबुक पर ये बात जाहिर की है कि जब से उन्होंने भोजपुरी के गंदे गानों का विरोध किया है तब से उन्हें बिहार के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। हाल ही में एक बार फिर से अपने होने वाले एक कार्यक्रम में सुधीर सिंह ने भाषण देते हुए भोजपुरी के द्व्यर्थी गानों के बारे में वहां मौजूद दर्शकों से काफ़ी सारी बातें बोली। दिघवा दिघौली में हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां सुधीर सिंह पहुंचे थे। वहां से सुधीर सिंह लाइव भी आए और उनकी बातों का दर्शकों को पता भी चला। उस वीडियो के दौरान सुधीर ने एक और पोस्ट लिखते हुए ये कहा है कि मिटा देंगे गंदगी समाज से, भोजपुरी हमारी माटी है, ये कारवां चल दिया है अपने मुकाम पे, देखते हैं कौन किस पे भारी है। अब तो नवका तट छोड़ चली, पता नहीं किस और चली, ले लील भले ही धार मुझे पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। वेल, सुधीर के इस पोस्ट से एक बात तो साफ है कि द्व्यर्थी गानों और सिंगरों के खिलाफ सुधीर ने जो मुहिम शुरू की है उसे वो थमने नहीं देंगे। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो रानी चटर्जी से जुड़ल बैठे। रानी चटर्जी का साथी उनका को स्टार रजनीकांत से खासा नजदीकिया देखल गई बटे। रानी के रजनीकांत से मोहब्बत बटे फिल्म में जीरो बनल हीरो में, लेकिन रियल में भी दोनों लोग के नज़दीकी कुछ कम नहीं थे। काहे कि बहुत सारा रानी तस्वीर अपन फेसबुक से भी शेयर कैले बड़ी, रजनीकांत के तारीफ कैले बड़ी। तो वहाँ रजनीकांत भी रानी का साथी अपन कई सारा
तस्वीर के शेयर करत खानी लवली मोमेंट कैप्शन में लिखले बड़े, यानी दोनों लोग के एक साथ समय बितावल बहुत पसंद आयल बटे। ताजमहल का सामने रानी चटर्जी के एगो फोटोशूट भी सामने आये जिनमें वो बहुत खूबसूरत ब्लैक ड्रेस में नजर आयल बड़ी। फिलहाल हम रानी और रजनीकांत के जे शूटिंग भयल बटे हीरो बनल जीरो, ना जीरो बनल हीरो के शूटिंग से जुड़ल कुछ तस्वीर वो सबसे साझा करे जाते नी देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। आगरा में होने वाली रानी रजनीकांत की फिल्म हीरो बनल जीरो, जीरो बनल हीरो अब बनकर तैयार हो चुकी है। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान की कई सारी तस्वीरें सामने आई जिसमें दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब दिखाई दिए। दोनों ने हाल ही में अपने नज़दीकियों की जो तस्वीरें साझा की हैं उसमें रजनीकांत और रानी एक दूसरे के काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। तो चलिए सीधे नज़र डालते हैं शूटिंग के समय की उन्हीं कुछ तस्वीरों पर। तब बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो रितेश पांडे से जुड़ल बा। रितेश पांडे के बीतल दिन पहले IBFA अवार्ड में बेस्ट अपकमिंग स्टार के अवार्ड मिलल बाटे, जेकरा के मिलला के बाद रितेश काफी खुश नजर आई बड़े। पहला अवार्ड भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से मिलल बटे। आज स्टार सच में बनल बनत जाता रहे, कहे कि एक दिन सुपरस्टार भी जरूर बन जाए, कहे कि इनका लोकप्रियता बहुत जबरदस्त हो गई बटे। सब हिट एक्ट्रेस लोग का साथ इनका काम करे के मौका मिल रहा बा। इनकर कांवड़ गीत के पसंद कल जाता, इनकर सब फिल्म के पसंद कल जाता, मोस्टली गाना के पसंद कल जाता। तो रितेश पांडे के यही लोकप्रियता से जुड़ल एगो खास खबर दिखावे जा रही बानी देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और अपनी गायकी से बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर सिंगर रितेश पांडे बीते दिन पहले पहुंचे थे मलेशिया, जहां वो अवार्ड फंक्शन के बाद घूमते हुए मस्ती करते हुए और स्टारों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान रितेश अपने फेसबुक से लाइव भी आए थे और उनके आसपास कई सारी हीरोइनें थी जैसे कनक पांडे, आकांक्षा अवस्थी से लेकर संभावना सेठ और शिविका दीवान भी नजर आईं। इसके साथ ही बता दें कि लाइव आने के दौरान रितेश के फेसबुक पर शिविका दीवान काफी देर तक दर्शकों से बातें करती रही और तभी संभावना सेठ का अचानक रितेश पर फूट पड़ा प्यार और उन्होंने रितेश को गले लगाकर दे दिया एक किस। वेल, मलेशिया में मस्ती का सुरूर सिर्फ रितेश और एक्ट्रेस पर ही नहीं चढ़ा बल्कि पवन से लेकर निरहुआ आम्रपाली तक फंक्शन के बाद हल्की हल्की धूप के साथ हवाओं का लुफ्त उठा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन, आम्रपाली, प्रवेश और निरहुआ ने अपने इंस्टा अकाउंट से मस्ती के समय की खूब सारी तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर की हैं। इसके साथ ही मलेशिया से वापस लौटकर पवन और आम्रपाली शेर सिंह की शूटिंग में व्यस्त होने वाले हैं। तो ये रहे आज के कुछ ताजा खबर। चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले हम बताई लोगों मैसेज भेजले बने सोनू कुमार। ये लिखा तारे कि मैं पवन सिंह के गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके सारे पुराने गानों को मैं सुनता हूँ। पवन जी से निवेदन है कि पहले जैसे गाने ही लेकर आइए, आपके संगीत में हमेशा कुछ नया सीखने को और सुनने को मिलता है। तो अगर सुन रहा बने पवन तो सोनू के मैसेज पर गौर जरूर फरमाए। तो ई रहे आज के कुछ नया मैसेज, ताज़ा खबर सोनू के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसा ने ताज़ा ताज़ा खबर और नया नया मैसेज के साथ है। लेकिन तब तक खातिर हम रखती ही इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।